पत्नी से तलाक के बाद अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते थे दिनेश कार्तिक, तभी भारतीय पूर्व कप्तान की बेटी ने किया था प्यार का इजहार और बचाई थी कार्तिक की जिंदगी। दोस्ती करके घर उजाड़ने वाला क्रिकेटर जिसने कार्तिक को दिया धोखा, उसके बाद कार्तिक की जिंदगी में आई एक नई लड़की जिसने बताया असली प्यार करना क्या होता है। कौन है दिनेश कार्तिक की पत्नी दीपिका, जिनकी करोड़ों में है नेटवर्थ, कामयाबी के मामले में अपने पति को भी देती है टक्कर, पूर्व भारतीय कप्तान की बेटी है कार्तिक की पत्नी। दिनेश कार्तिक उस दिन अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल मैच खेल रहे थे। मैच काफी कठिन और रोमांचक मोड़ पर था जब कार्तिक को पता चला कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही है। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी उनके ही सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर धोखा दे रही है और दोस्त के बच्चे की माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही क्रिकेटर टूटकर बिखर गया। उसके लिए एक एक पल भारी हो रहा था। वो मैच तो खेल रहा था लेकिन उसकी मानसिक स्थिति उस वक्त ऐसी थी कि वो बल्ला भी नहीं उठा पा रहा था। जिस दोस्त को दिनेश कार्तिक अपना भाई समझ रहे थे वही आस्तीन का सांप साबित हुआ। दोस्त के साथ मिलकर जब पत्नी ने धोखा दिया तो कार्तिक अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते थे। दिनेश कार्तिक की जिंदगी में जब सब कुछ खत्म हो गया था उस दौरान उनकी जिंदगी में एक दूसरी लड़की आई, दीपिका पल्लिकल, जिसने प्यार का असली मतलब भी बताया और दिनेश कार्तिक को नई जिंदगी दी। बात है 2012 की। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का महत्वपूर्ण मैच खेला जा रहा था। तब दिनेश कार्तिक को अपनी पत्नी निकिता बंजारा और दोस्त मुरली विजय के अफेयर के बारे में पता चला। उस वक्त दिनेश कार्तिक बुरी तरह से टूट गए थे। उनकी बचपन की दोस्त निकिता से उन्होंने लव मैरिज की थी। दोनों ने 2007 में शादी की लेकिन दिनेश कार्तिक जब भी घर से बाहर होते थे उनका दोस्त मुरली विजय कार्तिक की पत्नी निकिता के साथ होता था। दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता बंजारा ने उनके सबसे अच्छे दोस्त और टीम के साथी मुरली विजय के साथ मिलकर इतना बड़ा विश्वासघात किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जिस क्रिकेटर को दिनेश कार्तिक अपना भाई समझ रहे थे वो आस्तीन का सांप बनकर उनको ही डस रहा था और उनकी पत्नी के साथ अयाशी कर रहा था। दिनेश कार्तिक ने 2012 में ही निकिता बंजारा से बिना किसी ड्रामे के तलाक ले लिया। उस दौरान दिनेश कार्तिक ने कुछ नहीं कहा था और ना ही निकिता को लेकर कोई बयानबाजी मीडिया में की थी। 2012 में दिनेश कार्तिक से तलाक लेने के बाद इसी साल निकिता बंजारा ने मुरली विजय से शादी कर ली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब 2012 में दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारा का तलाक का केस चल रहा था उस वक्त निकिता बंजारा प्रेग्नेंट थी और मुरली विजय की बच्चे की माँ बनने वाली थी। इधर दिनेश कार्तिक डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तलाक के कई साल बाद दिनेश कार्तिक ने खुलासा किया था कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और सुसाइड करने के लिए भी सोच रहे थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक दूसरी लड़की आई जिसने समझाया कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। जब दिनेश कार्तिक अपनी जिंदगी से हार मानकर सुसाइड करने की सोच रहे थे उसी दौरान उनकी मुलाकात दीपिका पल्लिकल से हुई। दीपिका पल्लिकल पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुजान की बेटी हैं। दीपिका पल्लिकल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 मेडल जीते हैं जिसमें एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल था। कॉमनवेल्थ गेम में स्क्वॉश को सबसे बड़े टूर्नामेंट में माना जाता है। वहीं एशिया गेम्स में उनके नाम 7 मेडल है। उन्होंने यहाँ पर गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल की पहली मुलाकात जिम में हुई थी। उसके बाद दीपिका ने दिनेश कार्तिक को सहारा दिया और 2015 में दोनों ने शादी कर ली। दीपिका पल्लिकल ने बुरे वक्त में दिनेश कार्तिक को संभाला और उसके बाद कार्तिक ने फिर से क्रिकेट में धमाकेदार वापसी करके अपने दुश्मनों को जवाब दिया। दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल ने चेन्नई में आलिशान घर लिया है। इससे पहले वो चेन्नई में 10 करोड़ रुपए के घर में रहते थे। उनके नए घर की कीमत इससे भी कहीं ज्यादा बताई जा रही है। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दिनेश कार्तिक ने अपने दोस्त मुरली और पत्नी निकिता दोनों पर भरोसा किया और दोनों ने मिलकर उनको धोखा दिया। लेकिन देर से ही सही कर्मा लौट कर जरूर आता है। दिनेश कार्तिक ने 39 साल की उम्र तक आईपीएल खेला, आगे भी क्रिकेट कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे लेकिन दोस्त का घर उजाड़ने वाले मुरली विजय कहीं नजर नहीं आते हैं। वैसे दिनेश कार्तिक के साथ जो हुआ उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।